गाइस, मैं हूं कशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी व्हेयरएवर यू आर। वेडिंग सीजन इज कमिंग अप एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर ऑल माय ब्राइड टू बीज, जिनकी शादी है नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब। ये जो अपकमिंग 5-6 मंथ्स का वेडिंग सीजन है ना, ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो प्लीज लास्ट तक देखना, मैं इतनी सारी टिप्स देने वाली हूँ। इनफैक्ट काफी सारी चीजें तो ऐसी थी जो मैंने अपनी वेडिंग के टाइम गलती करी थी, सो मैं चाहती हूँ आप वो गलती ना करो। तो काफी सारी गोल्डन टिप्स सारी ब्राइड टू बीज को आज मैं देने वाली हूँ। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। जस्ट इन केस आप नए आए हो मेरे चैनल पे, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं काफी सारा वेडिंग रिलेटेड कंटेंट पहले भी बना चुकी हूँ, मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 फॉर ऑल द ब्राइड्स, मेक श्योर आपका लहंगा शादी से 2 या 3 वीक पहले पूरा रेडी है। कभी भी आप लहंगा लेने जाओ, स्पेशली मैं चांदनी चौक के सेलर्स के बारे में बता रही हूँ, आप चांदनी चौक जा रहे हो लहंगा लेने, वो आपसे पूछे आपकी शादी कब है, कभी भी उनको रियल डेट मत बताना। जब भी आप उसको बोल दोगे ना मेरी शादी लाइक 30th November को है, वो 30th November तक आपको लिटरली लटका के रखते हैं। उनको लगता है अच्छा ठीक है, एक हफ्ते पहले दे देंगे। कभी भी आप लहंगा लो ना, उनको बोलो मेरी शादी 15 November को है, 10 November को है, 10 या 20 दिन पहले बताओ, ताकि वो आपको लहंगा टाइम से रेडी करके दे दें। काफी बार वो आपको ब्लाउज का कट पीस देते हैं, वो आपको और जल्दी देते हैं ताकि आप अपना ब्लाउज बनवा पाओ, फिर थोड़े टाइम बाद आपको लहंगा मिलता है। बिकॉज अगर आप उसको लास्ट मिनट पर ठीक कराओगे, आपके बाकी फंक्शन इफेक्ट हो जाएंगे। क्या पता आपका बहुत चीजों पर ध्यान ना जाए, आपका लहंगा थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हो, ब्लाउज में वो फिटिंग ना आए, या फिर ब्लाउज में फिटिंग कराने का टाइम ना हो। मेरा खुद का ब्राइडल ब्लाउज जो है उसमें 2 या 3 फिटिंग्स लगी थी, बिकॉज इतने हैवी ब्लाउज होते हैं ना, एक बार में वो फिट नहीं आती, और शादी के पास आते आते वैसे भी हम बहुत पतले हो जाते हैं, नर्वसनेस में, टेंशन में, थोड़ा सा वेट रिड्यूस हो जाता है, तो थोड़ा साइजिंग में भी फर्क आता है। टिप नंबर 2 विच इज मोर लाइक अ मिस्टेक, जो मैंने अपनी शादी पे करी थी और अब तक मुझे ऐसा पछतावा होता है कि क्या यार मैंने संभाल के इतना क्यों रखा। सो मैंने अपने शादी का लहंगा खोला ही नहीं था, मैंने शादी वाले दिन तक उसको ट्रंक में उठा के रखा था। काफी बार जो आप अच्छे डिजाइनर से, या फिर बहुत सारे आजकल चांदनी चौक के सेलर भी ना आपको ट्रंक में लहंगा देते हैं, और फिर हमें होता है कि हाँ अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएंगे ना तो ऐसे ट्रंक लेके जाएंगे, बड़ा फैंसी लगेगा। बट ट्रस्ट मी, लहंगा 1 या 2, मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते पहले उसको हैंग करके रख दो, उसको खोलो। लहंगे की जो कैन होती है वो फ्रेश होती है, ऑफकोर्स आप एक नया लहंगा बनवा रहे हो, एकदम फ्रेश कैन है, वो खुली नहीं है, उसमें वो घेरा नहीं आता। और जब आप उसको लिटरली अपनी शादी वाले दिन खोलते हो ना, वो कैन नहीं खुलेगी। मैंने अपना शादी वाले दिन वो पूरा पैक खोला, लहंगा की कैन 2 मेकअप आर्टिस्ट ने खोली थी, जो कृति डीएस की मेकअप आर्टिस्ट की असिस्टेंट थी, उसने अच्छे से मेरी कैन खोली थी। बट वो उसी दिन खुली थी ना, मैं जैसी गाड़ी में बैठी वो पूरी कैन दब गई। गाड़ी से मैं वेन्यू पे गई, वेन्यू पे ऑफकोर्स इतना टाइम नहीं होता, शूट करना, बरात आने वाली है, एंट्री हो रही है, ये वो सब, उसमें क्या होता है आपका फिर टाइम नहीं मिलता कैन खोलने का, और आपका लहंगा इतना फ्लैट लगता है बिकॉज लहंगे की ग्रेस ही कैन से आती है। सो अपना लहंगा प्लीज हैंग करके रखो। मेरा जो सगन का CTC का गाउन था ना, वो हैंग भी आया था, उन्होंने स्पेशली बोला था इसको ऐसी ऐसी हैंग करके रखना, बिकॉज उसमें घेरा इतना एक्स्ट्रा वेगेंट था, सो वो घेरा एकदम इंटैक्ट रहता है, कैन को खुलने में टाइम लगता है। सो नॉट जस्ट योर ब्राइडल लहंगा, आपका कोई भी इवेंट का लहंगा हो, सगन का, रिसेप्शन का, उसको पहले से ही खोल के रखो ताकि वो कैन खुली रहे, और जिस दिन आपका इवेंट है वो और अच्छे से एकदम पफी और खुली खुली लगे। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज बुक अ मेकअप आर्टिस्ट दैट इज नियर बाय द वेन्यू। कभी भी ये मत कहना ये सबसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है, मेरी नोएडा में शादी है, मैं गुड़गांव में मेकअप आर्टिस्ट के पास जाऊंगी, बिकॉज मेरी तो ये फेवरेट है, मैंने बचपन से सपना देखा था इससे ही कराना है। नहीं, प्रैक्टिकल हो जाओ यार। शादी जब साया होता है ना, जो साया वाली वेडिंग होती है, उसमें इतना ट्रैफिक होता है, अगर आप लेट हो गए, आपका शूट गया, अगर आपका एंट्री से पहले शूट गया ना, तो फिर वो नहीं हो सकता, बिकॉज बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एंट्री के बाद कपल शूट होता है, आपका जो ब्राइडल सेपरेट शूट होता है वो स्टार्टिंग में ही हो पाता है, सो वो आपका रह जाएगा, फिर काफी सारी चीजें आपकी मिस आउट हो सकती हैं। काफी बार तो ब्राइड ही इतनी लेट आती है कि लोग वेट करते हैं, यार एंट्री नहीं हुई, ब्राइड नहीं आई अभी तक। सो मेक श्योर आपका जो भी शादी का वेन्यू है, आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है, या तो वेन्यू पे आ जाए, दैट्स द बेस्ट। बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं आई नो, बट अगर आप नहीं दे सकते तो जस्ट मेक श्योर आपके वेन्यू के पास उसका स्टूडियो या फिर जो भी है सेटअप होना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल कर पाओ। हमेशा अपनी मुआ को बोलो मुझे 3 या 4 o'clock में आ जाऊंगी, मुझे रेडी कर देना। अगर रात की शादी है तो 3 या 4 बजे चले जाओ मेकअप आर्टिस्ट के बाद, आराम से मेकअप कराओ, आराम से रेडी हो, रेडी होके बैठ भी जाओ। मेकअप जो शादी का मेकअप होता है ना, वो HD हैवी अच्छा मेकअप होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो बिल्कुल लेट मोमेंट पे मत जाना कि अगर मुझे 8 बजे एंट्री करनी है तो मैं 6 बजे मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रही हूँ। नहीं, अच्छे से टाइम लेके जाओ, पहले टाइम लेके रेडी हो जाओ, वेन्यू पे पहुंच जाओ अपना, आराम से शूट कराओ, आपको कंटेंट शूट करना है, इंस्टाग्राम की रील्स बनानी है, जो भी करना है आराम से करो, टाइम से पहले रेडी हो जाओ, और अपना वेन्यू हमेशा मेकअप आर्टिस्ट के पास रखो, या फिर वाइस वर्सा। आजकल तो लड़कियां पहले मेकअप आर्टिस्ट बुक करती हैं फिर वेन्यू बुक करती हैं, लेकिन अगर आपका वेन्यू बुक हो गया तो मेक श्योर आपका मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा सा वहां से पास हो।
नेक्स्ट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इतना अंडररेटेड है ना कि काफी लड़कियां इस पे ध्यान ही नहीं देती, और ये पॉइंट उनके लिए स्पेशली है लड़कियां जो पतली हैं, जो अपने आप को समझती है कि हम फिट हैं, हमें तो वर्कआउट या फिर जिम करने की जरूरत नहीं है। काफी बार क्या होता है, शादी के टाइम एक्जर्शन होता है, भागा दौड़ी कर रहे हो आप, हल्दी मेहंदी रेडी भी हो रहे हो, मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हो, फिर ऑफकोर्स खुशी होती है तो बंदा डांस भी इतना करता है, एक्जर्शन हो जाती है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने काफी बार इंस्टाग्राम पे देखा होगा ब्राइड बीमार पड़ गई, उसको बुखार हो गया। ऑफकोर्स देखो जो सीजनल वाला बुखार है वो तो मैं नहीं कह सकती कि आपको होगा नहीं होगा, बट काफी बार ना आप इतना ज्यादा एक्जर्शन हो जाता है, आप थक जाते हो, आपकी बॉडी का वो लेवल नहीं होता कि वो जल्दी बीमार पड़ जाती है। सो हमेशा अपनी शादी से 6-7 महीने पहले जिम ज्वाइन करो, वर्कआउट करो। जिम करना बहुत जरूरी है, एक तो देखो आपकी बॉडी थोड़ी टोन होगी, बॉडी अच्छे से टोन होगी, लुक अच्छी आएगी, लहंगा अच्छा लगेगा, खुद भी कॉन्फिडेंट फील होगा। सब लड़कियों को लगता है कि शादी पे तो हमें फिट दिखना ही दिखना है, आई एम नॉट सेइंग एकदम पतले हो जाओ, साइज 0 हो जाओ, नहीं, फिट होना चाहिए। अगर आप हेल्दी भी हो ना तो इतने फिट हो कि आपकी सांस नहीं फूल रही हो, बिकॉज जब आप वर्कआउट नहीं करते, आप जिम नहीं करते, आप कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी नहीं करते, 9 to 6 की जॉब है, हम ऑफिस जाते हैं बैठे रहते हैं, घर आ जाते हैं फिर बैठे रहते हैं, हमारी कोई वर्कआउट नहीं होती, और शादी के टाइम एकदम इतनी एक्जर्शन हो जाती है, लोगों की सांस फूल जाती है, लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है। ये इसलिए होता है बिकॉज आप रियल लाइफ में इतनी एक्टिविटी करते नहीं, और एकदम शादी के टाइम इतनी एक्टिविटी कर लेते हो कि वो एक्जर्शन हो जाता है आपकी बॉडी पे। सो हमेशा अपनी शादी से 6-7 महीने पहले जिम करो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, सो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, रील भी बनाई है वो भी मैं दे दूंगी, आप जरूर देखना। एक अच्छी अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट बनाओ, कभी भी डिपेंड मत हो कि मेरी मम्मी वो सामान ले आएगी, मैं उसको पकड़ा दूंगी, इसको पकड़ा दूंगी, नहीं, अपने साथ एक इमरजेंसी किट बना के चलो। सो ये पूरी टचअप किट भी है, इमरजेंसी किट भी है, फर्स्ट एड किट भी आप बोल सकते हो, इसके अंदर जितने भी सामान है ना, फ्रॉम फर्स्ट एड की दवाइयां, बैंडेड, ये पीछे का जो बेसिकली वो होता है ईयर लोब्स का, बिकॉज काफी बार ईयरिंग हैवी होते हैं, नंबिंग क्रीम हो गई, देन उसके अंदर मैंने क्लिप्स भी डाली है, काफी सारी टचअप की चीजें हैं, ईयरबड्स बहुत जरूरी है बिकॉज काफी बार आंसू आते हैं तो मेकअप आपका ड्रिप हो जाता है, तो ईयरबड्स आप क्लीन कर सकते हो, सेफ्टी पिन, ये वाली वीडियो आप देखना, इसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपको बताए थे, सो अच्छे से आपको पता भी चल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप ये पूरी किट अपनी बना के रखना, और जो भी फंक्शन में जाओगे हमेशा इसको अपने साथ रखना, किसी को पकड़ा सकते हो उस टाइम, लेकिन इसको हमेशा अपने साथ रखना, बिकॉज ये वाला जो सामान है ना, ये लास्ट मिनट पे आप किसी से मांगने जाओगे नहीं मिलेगा, एंड मेक श्योर ये चीजें आपके पास खुद हो ताकि आपको किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग जो काफी लड़कियां गलती करती होंगी, बिकॉज शादी वाले दिन सबको ये लगता है शादी का नया नया जोड़ा, नई नई ज्वेलरी, तो फुटवेयर भी नया ले लेते हैं, बिकॉज सब कुछ ऐसे नया होना चाहिए। आई एक्सेप्ट फुटवेयर भी नया होना चाहिए, बट एक एडवाइस प्रैक्टिकल मैं आपको देना चाहती हूँ, फुटवेयर अगर नया है तो उसको एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ना पहन के अच्छे से घूमो, घर में घूमो, अच्छे से चेक करो, बिकॉज काफी बार नई हील्स, बिकॉज शादी की जो ब्राइडल हील्स होती है वो हाई होती है, बहुत अनकंफर्टेबल भी होती है, स्टोन्स लगे होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, और काफी बार होता है आप एकदम उसको लास्ट मिनट में पहनोगे ना वो चुभेंगी, अगर आपका फुटवेयर आपको चुभेगा ना लिटरली आपकी पूरी शादी रुइन हो जाएगी, आप अनकंफर्टेबल रहोगे, चलते चलते आपके पैर कांप रहे होंगे, काफी बार तो लड़कियां वो उतार ही देती हैं, और हील उतारती फिर लहंगा अजीब सा बैठ जाता है, लहंगा अच्छा नहीं लगता, लहंगे की ग्रेस हमेशा हील से आती है। एक और पॉइंट जिसमें बताना चाहती हूँ, जब भी अपना लहंगा लेने जाओ ये वाली हील अपने साथ लेके जाओ, हील को पहनो फिर देखो लेंथ कैसी आ रही है, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है लेंथ छोटी आ रही है, बहुत एक्सेसिवली लंबा है, एक्सेसिवली लंबा लहंगा भी नहीं लेना चाहिए, वो अनकंफर्टेबल होता है, तो हील के हिसाब से अपने लहंगे को उसी टाइम चेंजेस दे देना, ऑल्टर करा लेना। सो आपकी जो ब्राइडल फुटवेयर है ना वो बहुत जरूरी है, वो पहले से पहनी हुई हो अच्छे से चेक कर लेना। मैंने अपनी ब्राइडल फुटवेयर पुरानी ही पहनी थी, मैंने एक पहले फंक्शन के ली थी, मैंने उसको ज्यादा पहना नहीं था, एक या दो बार पहना था, मैंने उसी को शादी वाले दिन पहना, बिकॉज मैं कोई नई फुटवेयर का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, नई फुटवेयर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल हुई ना तो फिर रुइंड है, आपके पैरों पर अगर कहीं चोट लग गई, शू बाइट आ गई, फिर उसके ऊपर लहंगा इतना हैवी, फिर ज्वेलरी, आप नहीं चाहते आप शादी पे इरिटेटेड रहो, सो मेक श्योर आपका फुटवेयर एकदम ट्राई टेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है वो शादी वाले दिन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ब्राइड टू बी के लिए डेफिनेटली है। जब भी शादी होती है ना इंडियन कल्चर में स्पेसिफिकली, मम्मियां बोलती हैं, सब बोलते हैं भर भर के सूट ले लो, काफी सारे ट्रूजो ले लो, 50-60 सूट ले लो, पता नहीं 21 साड़ी, 51 सूट, पता नहीं क्या क्या होता है। देखो देने लेने के जो होते हैं वो तो आप लोगे लोगे, लेकिन अपने लिए जो भी लोगे ना अननेसेसरी ओवर शॉपिंग मत करना, बिकॉज शादी के बाद एक तो साइज चेंज होता है, स्टाइल इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, आजकल फास्ट फैशन इंडियन कपड़ों में भी आ चुका है, बहुत जल्दी जल्दी आजकल फैशन चेंज हो रहा है, तो आप अननेसेसरी इतने सारे सूट ले लो, इतनी सारी साड़ियां ले लो, फिर आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि अरे ये तो आउट ऑफ फैशन हो गई, ये तो अच्छी नहीं लग रही, या फिर मैं मोटी हो गई। लाइक मैं इतनी पतली थी, मैं हमेशा कॉन्फिडेंट थी लाइफ में कि मैं कुछ भी हो मैं मोटी नहीं होंगी, बट शादी के बाद ऑफकोर्स थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस होते हैं, आई एम ईटिंग दोस पंजाबी पराठाज नाउ, सो थोड़ा बहुत बॉडी पे वेट पुट ऑन होता है, सो आपके वो पुराने सूट्स अगर नहीं आए तो और प्रॉब्लमेटिक है। जो रेडीमेड सूट होते हैं ना उसमें मार्जिन भी बहुत कम होता है, जो आप सिलवाते हो फिर भी आप उसमें मार्जिन रख लेते हो, अगर सिलवा रहे हो तो प्लीज मार्जिन अच्छे से रखवाना, ये कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैं तो मोटी नहीं होंगी या मेरा साइज चेंज नहीं होगा, काफी मोटे पतले हो जाते हैं, पतले मोटे हो जाते हैं, सो हमेशा
अच्छा मार्जिन रखना और अननेसेसरी मत सिलवाना। मैंने क्या किया, काफी सारे अनस्टिच सूट रखे हुए थे, मैंने नहीं सिलवाए कि जब मुझे लगेगा फ्यूचर में कोई ओकेजन आएगा मैं तब उसको स्टिच करा लूंगी, जब कोई ट्रेंड चल रहा होगा उस हिसाब से उसकी स्लीव बनवा लूंगी, उस हिसाब से उसका सूट का स्टाइल स्टिच करा लूंगी। खाली उस टाइम आप दिखाने के लिए ले सकते हो कि मैंने इतने इतने लिए, बट अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग या फिर ओवर शॉपिंग मत करना। टाइम टू टाइम जब भी सेल आती है, जब भी कोई ओकेजन आता है, नया सूट आप इजिली ले सकते हो, जस्ट डोंट ओवर शॉप। नेक्स्ट पॉइंटर इज फॉर मेहंदी फंक्शन। जब भी मेहंदी फंक्शन की आउटफिट की बात आती है ना, सब कहते हैं अच्छा ग्रीन कलर का हैवी सा लहंगा पहनेंगे या फिर येलो पिंक, आजकल तो अलग अलग कलर्स भी चल रहे हैं, सबको होता है अच्छा हैवी लहंगा पहनूंगी उस पे से फैंसी स्लीव्स लगाऊंगी। नहीं, जब भी आप ब्राइडल मेहंदी लगवाते हो ऑफकोर्स वो मेहंदी यहाँ तक लगती है, तो स्लीवलेस होना चाहिए आपका आउटफिट। अगर उसमें फालतू की कुछ स्लीव्स है, ऐसी वाली स्लीव्स है या फिर कुछ बेल स्लीव्स है, वो इरिटेट करेगी। या हल्की सी भी स्लीव्स आपकी मेहंदी पे टच हो ना, ब्राइडल मेहंदी इतनी बारीक होती है वो भैया ही आपको लुक दे देंगे कि क्या किया, वो भैया वैसे भी आके पहले ही फोल्ड कर देंगे, वो अननेसेसरी फोल्ड होगा, वो अच्छा ही लगेगा। इससे बेटर है स्लीवलेस पहनो। मैंने अपनी मेहंदी फंक्शन पे एक जंप सूट पहना था जो नूडल स्ट्रैप वाला था, और जंप सूट भी मैंने क्यों पहना, बिकॉज जंप सूट का जो लोअर होता है वो कंफर्टेबल होता है, पैर ऊपर करके आराम से बैठ सकते हो। अगर आप कैन कैन वाला लहंगा ले लोगे या फिर बहुत घेरे वाला लहंगा ले लोगे, हैवी वाला शरारा या कुछ सूट साड़ी, काफी लड़कियां साड़ी भी पहन लेती हैं, तो पैरों में मेहंदी लगानी प्रॉब्लमैटिक होती है, नहीं आप कंफर्टेबली बैठ सकते। तो हमेशा मेहंदी पे ना कोई शरारा सेट ले लो जिसमें पैंट आती है, ऊपर टॉप आता है, उसका दुपट्टा उस टाइम उतार सकते हो, फ्यूचर पहन सकते हो। मेरे भी जंप सूट के साथ एक प्रॉपर दुपट्टा आया था, वो मैंने उस दिन नहीं कैरी किया बिकॉज मुझे फ्रीली रहना था। सो हमेशा आपका मेहंदी का जो आउटफिट है वो स्लीवलेस होना चाहिए, उसके जो बॉटम है वो लहंगा स्टाइल ना हो तो बेटर है, ताकि आप कंफर्टेबली बैठ पाओ, या फिर आप पहले से ही मेहंदी लगवा लो अपना कैजुअल में बैठ के और फिर आप अपना आउटफिट पहनो। बिकॉज इन कपड़ों की वजह से अगर आपकी मेहंदी थोड़ी भी रोइन हो गई ना, वो बारीक इतनी होती है कि वो फिर डिजाइन आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये टिप बहुत एसेंशियल है, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दैट। इट्स एडवाइस इज फॉर ऑल दोस इंस्टाग्राम राइट टू बीज जो हमेशा इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहती हैं, जिन्होंने सेव करके रखे होते हैं पिक्चर्स, जो कहते हैं अच्छा मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए, और फिर जब मेकअप आर्टिस्ट पूछती है ना, आप इंस्टाग्राम पे सेव फीचर्स वाले खोल रहे होते हो कि अच्छा नहीं नहीं ये नहीं था ये नहीं था, उससे बेटर है अपना मूड बोर्ड बनाओ। पिंटरेस्ट पे अपना एक फोल्डर बना लो या फिर एक मूड बोर्ड, आप कोई भी कैनवा पिक्सआर्ट की ऐप लो, उसमें अपनी जो भी इमेजेस हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोलाज बना लो, या फिर पहले से ही अपने मेकअप आर्टिस्ट को भेज दो। मेरी जो सगन वाली मेकअप आर्टिस्ट थी, मैंने उनको हेयर स्टाइल ज्वेलरी पूरी पहले से ही भेज दी थी, ताकि वो माइंड में पूरा बना के रखें कि कैसा हेयर स्टाइल इन पे अच्छा लगेगा, कैसी ज्वेलरी इन पे अच्छी लगेगी, हेयर डू कैसा अच्छा लगेगा। सो पहले से उनको बता के चलो कि मैं ये ज्वेलरी पहन रही हूँ या फिर ये एक्सेसरी लेके आनी है। काफी सारी मेकअप आर्टिस्ट आपको हेयर एक्सेसरी नहीं देती, तो हेयर एक्सेसरी भी आपको खुद लानी पड़ती है। तो आपने मेकअप आर्टिस्ट के हेयर स्टाइलिस्ट से डिस्कस कर सकते हो कि मुझे बताओ क्या हेयर एक्सेसरी लेके आनी है, तो मैं उसके लिए रेडी रखूंगी, या जो भी आपको स्पेसिफिक हेयर स्टाइल चाहिए। कुछ कुछ के लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए होते हैं, अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आप खुद जाके मार्केट से अपने बालों से मैचिंग एक्सटेंशन लेके आओ, फिर आप उसको फ्यूचर में यूज भी कर सकते हो, उससे बेस्ट यही होता है। सो ये सारी तैयारी अपनी पहले से ही करके रखो। काफी बार ना मेकअप पे ध्यान देते हैं हम, लाइक मैंने अपने टाइम पे किया था मेकअप, बट ऐसा नहीं होता। आपका जो हेयर स्टाइल होता है ना, वो मेन गेम चेंजर होता है। वो अगर खराब हो गया, पूरी लुक खराब है, अच्छा हुआ आपका डल मेकअप भी अच्छा लगेगा। सो हेयर हैज दैट केपेबिलिटी टू चेंज द होल लुक। तो अपनी जितने भी हेयर स्टाइल्स है ना, प्लीज अच्छे से सेव करके रखो और देख के रखो कि ये मुझे सूट करेगा फिर नहीं करेगा। अपने फेस कट के हिसाब से सर्च करके रखो, लाइक मेरा सर्कुलर फेस है तो मुझे सेंटर पार्टी मेरे पे अच्छी लगती है, अगर मैं ज्यादा साइड पार्टी करती हूँ मेरे पे इतनी सूट नहीं करती। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर ज्वेलरी शॉपिंग, और ये एक मिस्टेक भी है जो मैंने खुद अपनी शादी के टाइम करी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती आप करो। जब भी आप अपनी ब्राइडल ज्वेलरी लेने जाओ या फिर आप रेंट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, हमेशा अपना ब्लाउज रेडी रखो। मैंने खुद देखा था, जब मैं लास्ट में चूड़ा लेने गई थी ना, एक लेडी माचन मोड़ में आई थी लड़की, उसने पूरा अपना ब्लाउज पहना ही हुआ था टॉप के नीचे, और पूरा ब्लाउज के ऊपर उसने अपनी ज्वेलरी ट्राई करके देखी थी। इससे क्या होता है, आपको आइडिया रहता है कि अच्छा मेरा ब्लाउज का ये कट है तो ये ज्वेलरी सूट करेगी। मैं अपने टाइम पे हिट एंड ट्रायल खेल रही थी कि अच्छा मेरा ब्लाउज ऐसा बन सकता है, मैंने नेकलाइन ऐसी बोली है तो ये ज्वेलरी फिट आ जाएगी, और थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है मेरी ज्वेलरी में, वो एक फिट वैसा नहीं बैठा जैसा मुझे चाहिए था। बिकॉज मैंने इमेजिन किया था मेरा ब्लाउज ऐसे वी नेक में बन रहा है, लेकिन वो ब्रॉड वी नेक में बन गया था, तो ये पूरा पोर्शन खाली जैसा दिख रहा था, ये गलती मेरे से हो गई थी। सो हमेशा अपना जो जहां से भी आप लहंगा बनवाओगे वो आपको ब्लाउज का कपड़ा देंगे। अगर आप रेडीमेड वो आपको ब्लाउज दे रहे हैं तो उनको बोलो प्लीज मुझे ब्लाउज पहले दे दो, लहंगे में टाइम ले लो लेकिन ब्लाउज पहले दे दो, ताकि आप उसको पहन के आप ब्राइडल शॉपिंग पे जाओ। या तो आप उसको साथ में रख सकते हो या फिर आप उसको अंदर पहन के उसके ऊपर जैकेट डाल सकते हो। और जब भी आप ज्वेलरी शॉपिंग करोगे उसको हटाओ, अच्छे से उसको लगा के देखो। एक तो आपको मैच पता चलता है, आपको प्रॉपर मैच पता चलेगा कि अच्छा ये ज्वेलरी से मैच कर रही है नहीं कर रही है, और नेकलाइन के हिसाब से आपको एक आइडिया भी रहेगा कि मेरी नेकलाइन पे जो ब्लाउज की नेकलाइन है ज्वेलरी एकदम कॉम्प्लीमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही। एंड लास्ट एडवाइस इज फॉर ऑल द ब्राइड टू बीज जो शादी से कुछ टाइम पहले अपना ब्राइडल ग्लो अप के लिए जाती है, फिर जो ब्राइडल पैकेजेस होते हैं आजकल बड़े ट्रेंडिंग चल रहे हैं, क्लिनिक्स में भी होते हैं,
मैंने पूरा पैकेज नहीं लिया था बिकॉज मैंने फुल बॉडी के लिए लेजर का ऑलरेडी लिया हुआ था. मेरी रोके के टाइम से शादी 6 महीने तक मेरी लेजर चल रही थी, तो मुझे बॉडी के लिए कुछ ग्लो अप की नीड नहीं थी. मुझे लेजर से एक अच्छा नीट इफेक्ट आ रहा था. लेकिन अगर आप बॉडी वैक्सिंग कराते हो तो प्लीज अपने फंक्शन से कुछ टाइम पहले कोई एक्सपेरिमेंटल वैक्स मत करा देना. कि अपनी शादी से 2 या 3 दिन पहले पार्लर गए और पार्लर वाले ने बोला कि नई वैक्स आई है ट्राई कर लो, आपने हाँ कर दिया, जस्ट इन केस आपकी स्किन बर्न हो गई, रिएक्ट कर गई, ये वाला रिस्क मत लेना. शादी से कुछ टाइम पहले कोई भी वैक्सिंग का रिस्क नहीं लेना अननेसेसरी. जो आपको सूट करती है वही कराओ. कोई भी नए फेशियल का रिस्क नहीं लेना अगर पहले से कराया हुआ है. लाइक मैंने जो कराया था मुझे उन्होंने पूरा ट्रस्ट दिया था कि वर्क करेगा. मैंने मेडिफेशियल कराया था अपनी शादी से कुछ टाइम पहले फ्रॉम जूरी. मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो, रजौरी में क्लिनिक है जूरी का. सो उन्होंने पूरा श्योर किया था कि इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है. तो मैंने लिटरली उनको ट्रस्ट करके फेशियल कराया था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी गुड. काफी अच्छा ग्लोइंग रिजल्ट आया था. लेकिन अगर आप कुछ ऐसी नई जगह जा रहे हो आपको पता ही नहीं, आपने रैंडमली पैकेज ले लिया, फिर या तो वैक्सीन रिएक्ट कर गई, अगर कोई फेशियल रिएक्ट कर गया, तो उस टाइम पे कोई चांस नहीं होता. कोई भी तरह का रिएक्शन इतनी जल्दी हील होगा ही नहीं होगा. वो फिर बम्पीनेस दिखेगी, बॉडी पे एक्ने दिखेंगे, तो ये वाला रिस्क नहीं लेना. एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ. शादी के टाइम बहुत लड़कियों को एक क्रेज होता है कि अच्छा हम बाल एकदम स्मूथ करा लेते हैं, स्ट्रेट बाल करा लेते हैं, कलर करा लेंगे. कलर तो करा लो. देखो कुछ कुछ हेयर स्टाइल होते हैं जो हेयर कलर करा के और अच्छे लगते हैं. आपने कुछ कर्लिंग कराई है, कुछ हेयर डू कराया है. मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था हेयर कलर कराओ बिकॉज हेयर स्टाइल्स अच्छे लगते हैं, बट मैंने कभी आज तक हेयर कलर नहीं कराया, मुझे डर लगता है. अब तो वैसे भी 30 के बाद ग्रेइंग शुरू हो जाती है, तो मेरे को वो वाला थोड़ा रिस्की लगता है. सो मैंने कभी हेयर कलर नहीं कराया. अगर आप हेयर कलर कराना चाहते हो करा सकते हो, वेल एंड गुड, बट स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, बोटॉक्स उस टाइम मत कराना. शादी के बाद करा लेना, शादी के जस्ट 2 या 3 दिन बाद जाके करा लेना, लेकिन शादी के फंक्शन के टाइम मत कराना. क्यों? आपके जितने ब्राइडल हेयर स्टाइल होते हैं, शादी का बन भी देखो उसके अंदर वॉल्यूम चाहिए होती है, लेकिन जो सगन का हेयर स्टाइल होता है, सगाई का, मेहंदी हल्दी या फिर रिसेप्शन का, उस टाइम वॉल्यूम चाहिए होती है बालों पे. और जब बिल्कुल ऐसे स्मूथ बाल करा लेते हो ना, आपके कर्ल स्टे नहीं करेंगे. आप जो कर्ल कराओगे ना, पार्लर वाली कितना भी स्प्रे कर दे, मुंह आपकी कितनी भी उस पर स्प्रे लगा दे, वो कर्ल नहीं टिकेंगे बिकॉज आपने स्मूथनिंग करा ली, स्ट्रेटनिंग करा ली. आपके बाल जितने ऐसे रफ होंगे ना, इनफैक्ट आप जिस दिन भी अपने फंक्शन के लिए जाओगे, मैं सगन पे गई थी, मैं शादी पे, रिसेप्शन पे, मैंने जब भी मेकअप आर्टिस्ट से बाल बनवाया, मैंने उस दिन खाली शैम्पू किया, कंडीशनिंग भी नहीं करी, हेयर मास्क भी नहीं करा, बिकॉज ये सब चीजें जब आप लगा लेते हो ना, आपके बाल स्मूथ हो जाते हैं. स्मूथ होने के बाद आप जब उसके बाद कर्लिंग कराओगे, स्ट्रेटनिंग, वो फिर स्टे नहीं करेंगे और ये फंक्शन लंबे चलते हैं. इंडियन फंक्शन हमेशा लंबे चलते हैं. सो लंबे अगर आपके बालों को कर्ल्स दिखाने, आपको वॉल्यूम अच्छी चाहिए, आपको चाहिए आपका गाउन एकदम एक्स्ट्रावेगेंट है, लहंगा एकदम एक्स्ट्रावेगेंट है, आपके बाल भी एक्स्ट्रावेगेंट दिखनी चाहिए, तो ये कोई भी तरह की स्ट्रेटनिंग कर्लिंग मत कराना, क्योंकि ये पूरा आपका इफेक्ट डल कर देगी. सो इसलिए शादी तक वेट करो. शादी के बाद आप चाहे आप चाहते हो कि आपको डेली बेसिस के लिए अच्छे स्ट्रेट बाल चाहिए तो आप तब करा सकते हो, लेकिन शादी से पहले ये वाले स्ट्रेट हेयर मत कराना. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे अपना सामान रेडी करके, उसको पहले से ही रेडी रखना है. मत सोचना अच्छा शादी वाले दिन सारा इकट्ठा करूंगी. अगर एक चीज भी मिसिंग हो गई ना, तो फिर वो रह ही जाएगी, वो सेट नहीं हो पाएगी. बाद में पहनोगे तो नहीं पहन पाओगे. तो जो भी आपके फंक्शन की आउटफिट है, उसी के बैग के अंदर अपनी जूड़ी डाल के रखो, अपनी अंडर गार्मेंट्स भी उसमें डाल के रखो. काफी बार शादी वाला घर इतना क्योटिक होता है कि आपको अंडर गार्मेंट्स भी नहीं मिलते. तो आप जो भी स्पेसिफिक अपनी कोई ब्रा पहनना चाहते हो, कोई भी अंडर गार्मेंट, काफी बार हमें लहंगों के नीचे टाइट या फिर कुछ पजामी पहननी होती है बिकॉज लहंगा इरिटेट करता है, तो उससे मैचिंग आप जो भी लोअर पहनना चाहते हो उसको उसके साथ ही रखना, ताकि उस दिन आपकी सारी चीजें रेडी हो. शादी वाले घर में बहुत क्योस होता है, तो काफी बार चीजें नहीं मिलती, लेट पहुंचोगे, पूरा आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा. सो हमेशा अंडर गार्मेंट्स, और हमेशा आपके जो भी आउटफिट के नीचे आप अंडर गार्मेंट पहन रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप कोई ब्रा पहन रहे हो, तो पहले से ट्राई टेस्टेड होनी चाहिए. आपने उस आउटफिट के नीचे पहले से पहन के देखो. वैसे यूजली सारी चीजें पैडेड होती है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नॉन पैडेड बनवाई है, तो पहले से उसको पहन के देखना. अगर लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट करोगे, वो ज्यादा अजीब सी दिख रही होगी, उसकी वजह से आपके आउटफिट की फिटिंग खराब आएगी, तो बहुत मेसअप हो सकती है सिचुएशन. और सेफ्टी के लिए बॉडी टेप जरूर रखना. बूट टेप आती है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, यहाँ पे इमेज भी डाल दूंगी. वैसे हम वेस्टर्न कपड़ों के लिए लेते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए आप उसको रख सकते हो. इससे आप काफी सारी चीजें ठीक कर सकते हो. अगर मेकअप आर्टिस्ट के पास ये नहीं होगी, आपके पास होगी, तो इमरजेंसी के लिए एकदम ठीक रहेगा. तो ये था कुछ गोल्डन ज्ञान फॉर ऑल माई ब्राइड टू बीज. मैंने लिटरली नोट्स बनाए थे इस वीडियो के लिए, बिकॉज मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहती थी. मैंने अपने टाइम पे जो गलतियां करी हैं या अपने टाइम पे जो टिप्स फॉलो करी है, मैंने सब कुछ आपको एक वीडियो में बता दिया. सो कोई भी ब्राइड टू बी अगर ये वीडियो देख रही है, प्लीज थैंक मी इन द कॉमेंट सेक्शन. इतना तो कर ही सकते हो यार. प्लीज लेट मी नो कि आप क्या क्या तैयारियां कर रहे हो. एंड अगर आप किसी ब्राइड टू बी को जानते हो, आपकी फ्रेंड है, कजन है, रिलेटिव है, तो ये वीडियो उनके साथ प्लीज शेयर करना.
Give a big thumbs up, subscribe to my channel, be a part of my community. मैं पूरी शादी playlist अलग से बना दूंगी, वो मैं यहाँ पे कहीं डाल दूंगी. Please आप जरूर check करना, आपको काफी सारा ज्ञान उसमें भी देखने को मिलेगा. और इसके अलावा आपको और क्या tips चाहिए for all the bride to be, please मुझे जरूर बताना. I'll definitely make a video on it. And yeah, happy wedding and enjoy your wedding and just be happy. कुछ भी मिसअप हो, कोई नहीं टेंशन लेनी, just be happy. Your smile is the best thing you can carry in your wedding. So yeah, just be happy and enjoy your function. Bye bye.